Hello students, welcome to MEC, Mehta Education Channel, where you can change the way of your learning and understanding. Today, we are going to study very important topic of your syllabus, Gauss Theorem or Gauss Law. But before that, you need to know some terms that helps us in understanding this Gauss Theorem properly. So, first term is area vector. Suppose I have a plane surface like this and having area equal to capital S. And if you want to calculate area vector of this surface, to mujhe iska magnitude as well as direction pata honi chahiye, kyunki vector hai. Ab area vector jo hoga, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा उस सरफेस का एरिया बताएगी और डायरेक्शन एरिया वेक्टर की हमेशा हम लेंगे परपेंडिकुलर टू डैट सरफेस लाइक दिस एंड रिप्रेजेंटेड बाय एन कैप. सो एरिया वेक्टर कैन बी रिटन एज एस वेक्टर इज इक्वल टू एस एन कैप, वेयर एस इज एरिया ऑफ सरफेस एंड एन कैप इज unit vector that represent direction of area vector and it is always perpendicular to the surface. Now, if your surface enclosing a volume like this cube, then area vector of each face is perpendicular in outward direction. Like, is face ki hogi? इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, इस फेस का एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, इस फेस का होगा इस डायरेक्शन में, इस वाले फेस का होगा परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, नीचे वाले का परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स, पीछे वाले का परपेंडिकुलर बाहर की तरफ. दैट इज एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फेस. और अगर फेसेस वॉल्यूम को इनक्लोज कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, ऑपोजिट टू द इनक्लोज्ड वॉल्यूम. नाउ वन मोर थिंग, इफ यू हैव अ इररेगुलर सरफेस और कर्व्ड सरफेस लाइक दिस अफेयर, देन टू फाइंड एरिया वेक्टर एट दिस सरफेस आई डिवाइड इट इनटू स्मॉल प्लेन एरिया एलिमेंट, दिस डी एस एरिया एलिमेंट स्मॉल था इसलिए मैंने सरफेस एरिया डी एस ले लिया. तो इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर इन आउटवर्ड्स डायरेक्शन. सिमिलरली अगर यहाँ पे एरिया वेक्टर फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्लेन एरिया एलिमेंट ले लूंगा और इसकी डायरेक्शन होगी इस तरह बाहर की तरफ. सो इन दिस केस एरिया वेक्टर इज रिटन एज डी एस एन कैप. Now, next term is electric flux. So, electric flux is defined as total number of electric field lines passing normally or perpendicular through a given surface. Means, किसी surface में से कितनी number of electric field lines निकल रही हैं, condition, the electric field lines must be perpendicular to that surface. So, here, electric field line is normal through a plane surface having area capital S. Then, इस surface में से कितनी electric field lines निकल रही हैं, वो दो factors पे depend करेंगी. First, electric field. अब जितनी electric field ज़्यादा होंगी, उतनी ही electric field lines भी ज़्यादा होंगी. Second, area. जितना सरफेस का एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही उसमें से फील्ड लाइंस भी ज़्यादा निकलेंगी. सो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड एज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया. नाउ इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया एंड आल्सो आर एरिया वेक्टर भी क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर. So, it means in this case,
electric field and area vector both are in same direction, so theta is equal to 0. Now, if electric field make any angle theta with the area vector, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए एरिया के, और आई कैन से पैरेलल टू एरिया वेक्टर लाइक इन दिस केस। तो अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वाला कंपोनेंट लूंगा जो इस एरिया के परपेंडिकुलर हो और आई कैन से इस एरिया वेक्टर के अलोंग हो। अब यहाँ पे थीटा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस साइड पे आएगा e cos थीटा वाला कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर भी है और इस सरफेस वेक्टर के, इस एरिया वेक्टर के अलोंग भी है। तो इन दिस केस, सेकंड केस है ये जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एंगल थीटा विद सरफेस। So in this case, flux is equal to component of electric field perpendicular to surface, that is E cos theta into area of the surface, which is S. So it becomes E S cos of theta. Now we know dot product of two vectors, say A vector and B vector, is equal to AB cos of theta, where theta is angle between A and B. So here I can write it as E vector dot S vector. Here theta is the angle between electric field and area vector. So theta is angle between electric field and area vector. So general formula of electric flux is given by E vector dot S vector. Now it is a scalar quantity and SI unit of flux is electric field ke Newton per coulomb aur surface area ke meter square. Now if you have a irregular shape surface और मुझे इस सरफेस में टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा? सेम, आई विल डिवाइड दिस सरफेस इनटू स्मॉल नंबर ऑफ प्लेन एरिया एलिमेंट्स लाइक दिस डीएस वन डीएस टू डीएस थ्री एंड सो ऑन डीएस एन। अब मैं इस छोटे छोटे एरिया एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा। सो लेट E1, E2, E3, so on, E and B, corresponding electric field there. Then flux at this small area element is given by E1 vector dot DS1 vector. Similarly, phi 2 is E2 vector dot DS2 vector. So on, phi n is En vector dot DSn vector. Now, total flux of this surface can be calculated by just adding these terms. क्योंकि flux is a scalar quantity, direction का तो कोई चक्कर ही नहीं। तो total flux आई हमारी phi 1 plus phi 2 so on phi n। यहाँ पे इसकी value substitute करता हूँ, e1 vector dot ds1 vector, e2 vector dot ds2 vector so on, en vector dot ds। और आई कैन राइट इट एज समीशन आई वन से एन ई आई वेक्टर डॉट डी एस आई वेक्टर। नाउ व्हेन योर नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इनफाइनेटली लार्ज, दैट इज योर एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एंड एरिया ऑफ दीज एलिमेंट्स आर वेरी स्मॉल, दैट मीन्स डी एस अप्रोचेस टू जीरो, दिस समीशन चेंजेस टू सरफेस इंटीग्रल। So another way to calculate electric flux through a surface is simply surface integral of electric field through the closed surface. तो एक formula electric flux का आया ये और एक formula आ गया हमारा ये। Now
let's move on to our very important topic, Gauss law. So, according to Gauss theorem, the total electric flux through any closed surface in free space is 1 by epsilon naught times net charge enclosed by that surface. That is, flux, which is equal to surface integral of electric field, can also be calculated as net charge divided by epsilon naught, where epsilon naught is permittivity of free space. And have standard value 8.85 into 10 raised to power minus 12. This. Let me explain this with the help of an example. Here, I have a closed surface containing three charges Q1, Q2 and Q3. Q1 is equal to 5 coulomb, Q2 is equal to minus 3 coulomb and Q3 is equal to प्लस 2 कूलम. और मुझे इस सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करनी है. अब ना ही मुझे इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है और ना ही मुझे इसका एरिया पता है. सो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेयर आई विल यूज गॉस थ्योरम दैट फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. नाउ नेट चार्ज इज प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2. नीचे एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 12. 5 माइनस 3 2, 2 प्लस 2 4. सो 4 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 12 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.45 इंटू 10 रेस टू पावर 12 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर. सो हाउ इजिली आई कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस यूजिंग गॉस थ्योरम. अब इस थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है बट इसकी एप्लीकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है विच वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास. अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो हेयर इन दिस न्यूमेरिकल वी हैव गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे एंड के और हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने को बोला है उस सरफेस से जो वाई जेड प्लेन में पड़ा है लाइक दिस. इस सरफेस में एंड इसका एरिया दिया हुआ है हमें 20. नाउ वी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर. तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट वेक्टर में है तो एरिया वेक्टर को भी यूनिट वेक्टर में लिखना पड़ेगा और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लाइक दिस. दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस. सो आई कैन राइट एस वेक्टर एज 20 आई कैप. 20 मैग्नीट्यूड है और आई कैप फॉर डायरेक्शन क्योंकि एरिया वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे वैल्यू फिल करते हैं 6 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप का डॉट प्रोडक्ट 20 आई कैप के साथ. अब हमें पता है आई डॉट आई होता है 1, जे डॉट आई 0 और के डॉट आई होता है 0. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो इसके साथ आ जाएगा 0. तो 6 इंटू 20 हो गया हमारा 120 यूनिट्स. तो फ्लक्स आई हमारी 120 यूनिट्स. So, in this numerical, we have to calculate electric flux through a square of area 10 meter square if uniform electric field of 20 newton coulomb is first parallel to square and second perpendicular to square. So, we know flux is given by E vector dot S vector, or you can write it as E as cos of theta, where theta is angle between electric field and area vector. Now in part A, when electric field is parallel to square like this, electric field is parallel to this square.
So E is equal to 20 Newton per coulomb and S is equal to 10 meter square and theta. अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो लिख देंगे क्योंकि उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू स्क्वायर. बट नहीं, हेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये होगा आपका एरिया वेक्टर. सो इन दिस केस एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री. तो यहाँ पे थीटा आएगा 90. सो फ्लक्स ई एस कॉस ऑफ 90. कॉस 90 कितना होता है, जीरो. इट मीन्स फ्लक्स कितना हो गया आपका, जीरो. सो इन दिस केस फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट बी पार्ट, व्हेन योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू स्क्वायर लाइक दिस. So, इस केस में थीटा कितना होगा, 90. नहीं होगा 90 क्योंकि अगेन थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. और इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर, दैट मींस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई. सो हेयर थीटा इज जीरो डिग्री. तो फ्लक्स क्या आएगी अब, ई एस कॉस ऑफ जीरो. ई की वैल्यू 20, एस की वैल्यू 10 और कॉस जीरो होता है हमारा 1. तो 200 न्यूटन पर कूलर मीटर स्क्वेयर. सो दिस इज द फ्लक्स इन दिस केस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप दिस वीडियोज विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट क्लियरली. सो प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियोज एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू.